इंस्टाग्राम रील देख के मेरी इंसल्ट हो गई। इस बंदे ने 70 साल की उम्र में इतनी टॉप बॉडी बना रखी। मुझमें भी एक जनून जाग गया और बॉडी बनाने का भूत सवार हो गया। मैंने भी फटाक से पापा की साइकिल उठाई। पापा की साइकिल थोड़ी गंदी हो रही थी, इसीलिए ट्यूबवेल पर लाकर थोड़ी साइकिल वॉश करने के बाद साइकिल उठाई और जिम के लिए चल दिया। मेरे मन में बस एक ही बात चल रही, जिम में जाकर आज सारी मशीनें हिला दूंगा। आज साइकिल इतनी तेज चलाई कि कुछ देर बाद मैं जिम में पहुंच गया। जिम में पहुंचने के बाद ये रस्सी खींचने लगा। रस्सी खींचने के बाद इन्हें आपस में मिलाने लगा। इन्हें मिलाकर शायद इसे पुशअप बोलते हैं। फिर मैं पुशअप मारने लगा। फिर उसके बाद मैं डंबल उठाने लगा। मतलब जैसे जैसे जिम में लड़के कर रहे थे ठीक मैं वैसे वैसे ही करने लगा। जिम में कब टाइम निकलगा पता ही नहीं चला। फिर घर पर आकर मैंने अच्छे से दूध पिया, क्योंकि जिम वाले भैया ने कहा था कि जिम वाले लड़कों के लिए दूध पीना बहुत अच्छा है। आज तो मुझ में से पहलवान वाली फीलिंग आ रही थी। अब तक सब अच्छा चल रहा था। रात हो गई और मैं भी सोने चला गया। रात के बाद जैसे ही सवेरा हुआ मेरी तो हालत सी डाउन हो गई। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे अच्छे से तोड़ दिया हो। मेरे हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मेरी हालत इतनी बेकार हो चुकी है कि मुझे लगता है कि मुझे मेडिकल स्टोर पे से दर्द की दवाई मंगानी पड़ेगी। दवाई मैं किसी और पे मंगा लूंगा। मेरी हिम्मत भी नहीं कर रही है मेडिकल स्टोर तक जाने की।